यहाँ पे एक मैम है जो एक क्लाउड किचन चला रही है, जगह का नाम है धमाल गली, एंड शी डज एन अमेजिंग जॉब। वाह 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 वाह, क्या टेस्ट है दी। इट्स अ फ्लेवर बॉम्ब एक्चुअली। पता है, बताओ यार, आज मैं वेज एंजॉय कर रहा हूँ, मैं थरली कर रहा हूँ। I'm sincerely enjoyed, मज़ा आया खा के। I liked your passion, I liked your love for food, और ये बहुत जरूरी है। थ्री टू वन। थक नहीं गए हो वो रेगुलर खाना खा खा के? अब आप लोग बोलोगे शोएब आप नहीं थके चिकन मटन खा के? हल्का सा थक गया, क्यों गलत बोलूँ। एनीवे, जिस जगह पे आज मैं हूँ ना, मैं कालका जी में हूँ, बड़ा क्राउडेड एरिया है, साउथ दिल्ली, आप सबको पता है। यहाँ पे एक मैम है जो एक क्लाउड किचन चला रही है, जगह का नाम है धमाल गली। धमाल गली मैम शेफ हैं, करती धरती है, एंड शी डज एन अमेजिंग जॉब। डिफरेंस पता है क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था थक नहीं गए, मैम देती हैं फ्यूजन खाना। अब डिशेज़ के नाम सुनो, कह रही स्पेशलिटी क्या क्या है। सीनियर मैम है, कहती हैं आपने खाना हमारा मैक्सिकन ढोकला। मैक्सिकन ढोकला, अब आई वर्ड ऑफ नॉर्मल ढोकला, मैक्सिकन ढोकला कैसे बनता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ कह रहे हैं आपको खिला रहे हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। नाउ दिस माइट बी रेगुलर, बट क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ऐड करना बिल्कुल बनता था। उसके साथ साथ कह रहे हैं आपको हमने खिलाना है हमारे यहाँ का जोधपुरी काबुली बिरयानी वाला हिसाब किताब, मतलब जोधपुरी काबुली बिरयानी, कोई आइडिया नहीं है। राजस्थानी फ्लेवर्स होंगे कह रहे हैं इसमें। अच्छा, ये तो एक बात। इसके साथ साथ कह रहे हैं खिलानी है दाल बुखारा। ना दाल मखनी इज़ ए वेरी रेगुलर आइटम, एवरी रेस्टोरेंट सर्व्स इट, बट दाल बुखारा मिलना हल्का सा मुश्किल है, यहाँ पे मिलती है, और कह रहे खा के देखना। अच्छा, ये हो गई बात। इसके साथ साथ कह रहे आपको हमने खिलाना हमारे यहाँ की छपरा कड़ी। मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने पूछा क्या है, कह रहे बिहारी डिश है। इसमें क्या होता है, समोसा होता है जिसके अंदर हम एग प्लांट डालते हैं, बोले तो भरता, खड़े मसालों की करी होती है, और साथ में सर्व किया जाता है सत्तू का परांठा। अच्छा जी, देख रहे हो क्या बातें हो रही हैं। और फाइनली कह रहे आपको खिलाना हमने हमारे यहाँ का मेथी मलाई पनीर। रेगुलर आइटम है बट बड़ी स्वादिष्ट होती है, रिच होती है, एंड पीपल लव इट। एक होटल है जिसके अंदर इन्होंने अपना क्लाउड किचन बना रखा है, एंड दे सर्व ब्रिलियंट फूड। मैम से मिलना है, हाथ की कला दिखानी है, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद कैसे स्प्रेड लगाने हैं। मेरे लिए स्पेशल टेबल लग रहा है, जेन्युइन रिव्यू दूंगा। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आएगा। अंदर चलते हैं, और वैसे बता दूँ एक चीज़ और थी, सोया कोरमा ग्रेवी, बताना भूल गया था इंट्रो में, रिच तरीके से वो भी बनाते हैं। ऊपर चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ। I is entering the kitchen. How are you, sir? Good. How are you? Good, good. Thank you, ma'am or sir. Hello. धरता धरता धमाल गली। Hello, ma'am. कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? Good. पहले तो thank you, आपने बुलाया हमें record करने के लिए. Very sweet of you, ma'am. अच्छा, यहाँ पे सब कुछ already सजा रखा है. अच्छा जी, guys, just have a look here. This is what I like. Clean kitchen, nice kitchen, everything organized. कैसे जीवन, ठीक हो? I know जीवन from very long time. A wonderful chef himself, ma'am के साथ हैं. मैम यहाँ पे क्या क्या तैयार होने वाला है? सारा जो मेन्यू मैंने बता दिया, ऑलरेडी सब तैयार है जी? हाँ, सब तैयार है। वेरी गुड जी। अच्छा, ये क्या हो रहा है वैसे, जस्ट फॉर नॉलेज, दिस इज जोधपुरी काबुली। अच्छा, उसकी तैयारी हो रही है बिरयानी। अरे वाह, तो इसमें राइस सभी ऑब्वियसली है, बिरयानी तो पुलाव। वेरी गुड मैम, यू आर अ शेफ योरसेल्फ? ऑब्वियसली, यस आई एम अ शेफ। वेरी गुड जी, कितने सालों से यू बीन डूइंग इट कुकिंग? फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। अच्छा जी, वेरी गुड। धमाल गली के करते धरते, सो वेरी पैशनेट अबाउट फूड मैम। This is my passion and I'm doing out of passion only. Acha? Haan. It's my hobby. Right. To come out for some new dishes every time. Very good. This is all our innovative. Me and my husband both are very foodie. Acha. अच्छा, इसमें हल्का से आइडिया दे दो, क्या क्या है, कुछ कुछ बता सकते हैं? इसमें है सारे वेजिटेबल्स, है गाजर है, बीन्स है, कोफ्ता है। So what is Rajasthani about this? This gravy is Rajasthani. अच्छा। So ma'am, these recipes with respect, are these all yours? Yes. Sari ki sari. Sari. So your team, they follow it? Yeah. I mean, kuch bhi fusion karna hai, to I myself do it. I first try, then only, if it's come out, then it's launched. Very good. Life is good. Ye isme kesar dala hua hai, kesar milk hai. This is a special treat for us. Kitchen mein hote hai na. Thank you for this, ma'am. Thank you for this, sir. Ye kya hai? This is, we call it pataki. Pataki? Yeah.
अरे वर्ल्ड की दिस इज अ फ्यूजन ऑफ खस विद सोडा पटाखी ना। हाँ जी जीवन, क्या बनने वाला है? मैं बना रहा हूँ आज हमारा स्पेशल मेथी मलाई पनीर। अरे वाह, दिखाने को शक्ल यहाँ पे पहले थोड़ी सी। ये मैंने पहले से ग्रेवी रेडी कर रखी है इसकी। अच्छा, ये देखो मैंने पहले से इसी ग्रेवी रेडी करके रखी है। अब मैं इसको लास्टली फाइनली कर रहा हूँ। ये मेरा तैयार हो चुका है। हो गया। So basically आपने अपने मसाले वगैरह डाल दिए। मसाले, हाँ। You had to toss it and that's about it. चलो। और ये मेरी spice है जो हमारे organic bell peppers. Bell peppers. चलो। Very nice. बहुत बढ़िया। Done? क्या बात है? हम यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैं छपरा करी बना रही हूँ। अच्छा, ये समोसे की बात हो रही थी। हाँ। इसमें एक प्लांट है भरता? इसमें एक प्लांट। वेरी गुड। इतने पीसेस आते हैं एक पोर्शन में? एक पोर्शन में चार पीसेस होते हैं। चार पीस आते हैं। अच्छा, हम चार ही डालेंगे राइट? हाँ। इसमें पोर्शन के हिसाब से। वेरी गुड। इसमें खड़े मसालों की ग्रेवी है? ये सारे खड़े मसाले। अच्छा, सो इट्स अ बिहारी डिश। बिहारी डिश। अच्छा, दैट्स फॉर यू मैम। वैसे इफ यू डोंट माइंड, आप इसको तो बना ही रहे। एक समोसा खोल के देख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, एकदम खोल के देख सकते हो। यहाँ पे ना थोड़ा लोगों को दिखाते हैं अंदर से ये। अरे वाह, सो दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज फुली कुक्ड फ्रॉम इनसाइड राइट? यस। अच्छा, गुड गुड। किसी को कुछ नया खाने का शौक है तो उसको भी ये बहुत पसंद आता है। ये देखिए, इसमें सारे खड़े मसाले। सो गाइस, वेजिटेरियन ना, इट्स लवली। आई कैन सी आज थोड़ा सा ना एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सेट हुआ है। सोचो आप घर में कोई आए एंड यू सर्विंग डिशेज लाइक दिस इंस्टेड ऑफ द रेगुलर वन जो मंगाते हैं। इट जस्ट अबाउट द मैटर कि खाना अच्छा मिले। मेरा पर्पस ये है कि आपको अच्छा खाना दिखाऊं। व्हेन अ फैमिली वर्क्स टुगेदर, यू सी हाउ दे वर्किंग टुगेदर, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ जी, हाँ जी, सरसों का साग आ रहा है जी, नया सीजन आ रहा है। देखो सरसों का साग का मेरा कलर देखिए जी, प्लीज एक मिनट। रेडी करके रखा हुआ है देखो ये। जीवन ब्रदर, ये अब मिलेगा? अब मिलेगा, अब मिलेगा। ऐसे कि अगर आपसे कोई ऑर्डर करे तो मिलेगा? मिलेगा। साग की अवेलेबिलिटी रहेगी? अवेलेबिलिटी रहेगी। और देखो ना, मैंने पहले से तैयार करके रखा है, प्योर देसी घी में, प्योर देसी घी में तैयार करके रखा है। ये देख लीजिए, ये देखिए जी। अब मैं इसको फाइनली इसको गर्म करके टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना मेरे को इसको। ये देखो जी, मेरा सफ़ेद मक्खन देखिए, ये प्योर देसी मक्खन। ये देखिए, ये यही क्वालिटी मिलनी है लोगों को? यही क्वालिटी मिलनी है जी। धमाल गली का पूरा नाम है जी खाने में, तो धमाल गली कमाल का खाना। वाह 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 वाह, क्या टेस्ट है जी। डन हो गया जी, ये मेरा जी फाइनल तैयार हो गया। अच्छा गाइस, मैं वैसे एक बात बता दूं, मेरी मैम से डिस्कशन हो रही ऑफ कैमरा। मैम, एक तो ऑब्वियसली हम डिलीवरीज करेंगे। हाँ। ये क्लाउड किचन है, यू वांट द मोस्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू प्रेजेंट योर फूड। सेकंड इज आप कहते हैं कि यू आर इनटू केटरिंग बिजनेस। अच्छे से दबा के केटरिंग। हाँ। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट्स, कुछ भी। एंड दिस काइंड ऑफ मेन्यू विल बी अवेलेबल? यस, आई हैव कम अप विद द कांसेप्ट ऑल बाइट साइज। अच्छा, केटरिंग में आई मीन पीपल nowadays preferring bite size. हर कुछ bite size, like biryani, बिरयानी भी है तो that's I'm doing it in a small cooler glasses. Bite size, आदमी एक बार खाए खत्म. So variety, every variety people can taste it. Otherwise it's a wastage of food. So guys, catering के लिए धमाल गली, just letting you know, you've seen the quality, बाकी review पे पता चलेगा. Thank you ma'am. Ma'am, ये क्या है यहाँ पे? I'm sorry, मैंने अभी देखा. This is Mexican. We are doing a dhokla and this all are organic curd. I mean made out of a flowers. Achha, this looks very nice. And another one. Kya baat hai. Achha ji, good stuff man. Achha lag raha hai mujhe aapki creativity na. This whole art is nice. Haan ji, kya ban raha hai? Mera ji soya korma. अच्छा है, देखिए जी मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये पहले से तैयार करके रखा। अब मैं इसको फाइनली टेस्ट करूंगा, ठीक है? सारा जी काम करते हैं। ढोकला में आई थिंक टाइम लग रहा है। हाँ। तो खाना नीचे मैं देख जाता हूँ, ठीक है? अच्छा गाइस, जानते एक बताती है, क्लाउड किचन है, आपको घर मंगाना है, मैं तो नीचे खा रहा हूँ यहाँ पे, इज दैट राइट मैम? यस। तो मैम नीचे लगाते हैं खाना? हाँ, एकदम। आप ढोकला कर लीजिए, ठीक है? Alright guys, the spreads here. मैं खाने से पहले एक बात बता दूँ, ये स्प्रेड मेरे लगा है, आपको ये घर पे मिलेगा। मैंने एक ट्रीटमेंट स्पेशल सा किया है,
अगर आप इनके बाइटनेस इवेंट्स में जाओगे जिनकी डिटेल्स आपको इनसे मिलते रहेगी, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको ऐसे सर्व करेंगे, अदरवाइज घर पर तो अलग ही मिलेगा। ट्राई करते हैं खाना। हाँ जी, ये देखो जी, पहले मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ जो आपको मैं किचन में पूरा नहीं दिखा पाया था। दिस इज़ देयर मैक्सिकन ढोकला। आई लव हाउ द प्लेटिंग हैज़ हैपेंड, द कलर्स आर नाइस, एंड पार्सली ऊपर डाल के ट्राई करें। ओके, ऑलराइट, 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ढोकला दैट आई एम एंजॉइंग राइट नाउ। इट इज़ सो फ्लफी, सो एयरी, आई लव इट। पता खाना ऑर्डर क्यों करना, वो इसलिए करना इज़ ओनली बिकॉज समथिंग दैट इज़ नेवर बीन ट्राइड बिफोर, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। समझा, मज़ा आ रहा खाना। You know, this is putting yourself on the plate. This is what chef is all about. अच्छा लगा, मैं सारे ढोकले नहीं ट्राई कर रहा, तो बहुत लंबा रिव्यू हो जाएगा। बिगनिंग मज़ा आ गया। हाँ जी, सारी मेन कोर्स की बातें हैं यहाँ तो। आ जाओ जी, आ जाओ, पहले ये छपड़ा भी ट्राई करते हैं सत्तू के परांठे के साथ। इसी ऑल द मसाला सत्तू का, क्या बात है, हरी मिर्च वगैरह डाल के प्याज के साथ हैं, अच्छा ही लग रहा है। पाइपिंग हॉट, धुआँ अभी तक निकल रहा है, मक्खन ऊपर लगा है वाइट। आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ 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 हाँ, ये समोसा जी पूरा आपको ना दिखाई देता हूँ। आई एम सॉरी, मेरे हैंड्स थोड़े मेस्ड अप हो जाएंगे, बट भारतीय खाने में यानी कि इंडियन खाने में ऐसे ही खाने का मज़ा आता है। ये देखो जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा लग रहा। ऑलराइट, लेट्स टेक अ बाइट। क्या बात है, ग्रेवी में डिप करते हैं, सारे खड़े मसालों की ग्रेवी है। नवरात्रों का समय है। देखो मैं तो आपको सच बताऊं, देयर सो मेनी वेजिटेरियन लवर्स जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते होंगे, बट जितने मेरे अंदर ज्ञान है खाने को लेके, आई एम लविंग इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता क्या है, दिस मे लुक अ लॉट मसालेदार, इट इज़ नॉट, इट इज़ बैलेंस्ड एंड इट इज़ नाइस, इट्स अ फ्लेवर बॉम्ब एक्चुअली। पता है, बताओ यार, आज मैं वेज इन्जॉय कर रहा हूँ और थरली कर रहा हूँ, इज़न दिस नाइस। ये ना चटनी खा के खा रही है आपको, ये कह रहे हैं ये चटनी आपको कि मिली गई। आहा, वो केक लगती है ना टटक दिमाग में, आहा वो है, समथिंग लाइक वसाबी। मज़ा आ गया, आई लव दिस कॉम्बिनेशन। दिल खुश कर दिया इन लोगों ने, मजाक नहीं कर रहा। एक नान लेते हैं, नान साइड पर रखा हुआ था, गर्मा गर्म नान है, और डालते हैं हल्का सा सोया कोरमा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ट्राई करना। ठीक है, हल्का सा ट्राई करते हैं। मेथी मलाई पनीर, देखा था शेफ जीवन को कितने एक्साइटेड थे, रुक ही नहीं रहते। हाँ सर, पहले इन दोनों को ट्राई करते हैं। एक्चुअली दाल बुखारा भी डाल ही लेते हैं यार, ये दाल धमाल कहते हैं इसको यहाँ पे, बुखारा मत बोलना फ़ोन करके, दाल धमाल। पहले ट्राई करते हैं ये मेथी मलाई पनीर। आ जाओ, ये रहा जी, ये लिया मेथी मलाई पनीर। सीधी सीधी बात करूं, जिनको रिच खाना पसंद है वो ये खाएंगे, मसालेदार छपड़ा है, मतलब सीधी सी बात है, इतना स्वाद है ना। और ये उन्हीं के लिए जो मलाई क्रीम मक्खन शाही पनीर जो ब्लैंड साइड पर जाते हैं ना, ये उनके लिए है। जो जाते हैं कढ़ाई पनीर की तरफ, छपड़ा की तरफ, वो ये सब चीज़ें ऑर्डर करें। आई लव इट। ये ना इट इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन इज़ वेल, जस्ट सेइंग। आ जाओ जी, आ जाओ। ये जी दाल ले धमाल, तंदूर में एज पर हमारे शेफ साहब जीवन जी, तंदूर में अच्छे से कुटी गई है। दाल बुखारा खाती इंसान बता दे, मख नहीं है, बुखारा, बुखारा जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट साउथ दिल्ली में। दे मे बी रेस्टोरेंट शुड बी सर्विंग दिस और मे नॉट बी, मुझे नहीं पता, बट जहाँ मैं खा रहा हूँ वहाँ की इंश्योरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे आके आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये देखो जी चाप है। अच्छा, आई एम पर्सनली नॉट अ लवर ऑफ चाप, बट ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे हमेशा लगता है जो चाप की ग्रेवी होती है ना उसमें सारा मैजिक होता है। आज खा के देखते हैं। दिस हैज़ अ लिटिल स्मोकी टच, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, अच्छे से कूटा टोमेटो नहीं होता, पका हुआ। हाँ, गुड फूड यार, मज़ा आ रहा है।
दिल खुश हो गया, यू नो सच अ स्प्रेड, इट्स सच अ डिलाइट। फिर वेज में ना लोग दाल मखनी, शाही पनीर, बटर पनीर और कढ़ाई पनीर शेफ इसके ऊपर जाना नहीं चाहते, जबकि रास्ता बहुत लंबा है कि नहीं है। सरसों का साग और मक्की की रोटी, इसको तो मैं डायरेक्ट खा रहा हूँ क्योंकि बनती है थाल की तरह खाना। ये लो जी बटर लवर्स, ये मैं इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डालना है, बट जिसने मक्खन नहीं खाया मक्की की रोटी पे, उसने लाइफ में ना कुछ अधूरा छोड़ा है। आ जाओ जी आ जाओ, ये साग देसी की साग है। सोचो सवेरे का समय 9 बजे हुए हैं, घर जैसा साग, मक्की की रोटी, सफ़ेद मक्खन और देसी घी वाला साग ठंडे मौसम में। मेरे ख्याल से ना सर्दियों में इससे ऊपर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, कोई बीमार भी है ना उसको भी खिला दो वैसे ठीक हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, मज़ा आ गया। एंड प्लीज़ ये मत समझना कि ये सब बातें कर रहा हूँ तो मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, एक बार एक ही कोई चीज़ मंगा लो, क्रेडिबिलिटी बना लो मन में, मज़ा आएगा। मेरा दिल खुश हुआ है, बोला आपका भी होगा। गाइस यहाँ पे आ जाओ, जोधपुरी काबुली बिरयानी, थोड़े से हम पेपर्स और अनियन साइड पे करेंगे। बिरयानी कभी खानी हो ना किसी ने भी, हमेशा नीचे से स्पून घुमाओ, क्योंकि मैगी देखी आपने वो कप नूडल्स वगैरह नीचे होता ना मसाला, वैसी यहाँ पे भी ना लेयरिंग हुई है। ये नीचे से हमने बिरयानी ली और प्लेट में हल्की सी डाली और थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये लो जी, आ जाओ जी आ जाओ, पूरे वेजीज के साथ हैं। ऑलराइट, आई थिंक अमंगस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव हैड दिस हैज द मोस्ट फ्लेवर्स। मुझे नहीं पता इसमें यूनिक है, बट द रिचनेस, द कार्डमन, द सिनेमन, दालचीनी, एपिक। दिस इज मोर ऑन अ रिच साइड, पता है ये अच्छे शेफ का ही काम हो सकता है। कई लोग बिरयानी में ना ग्रेवी भर के उसको पुलाव बना के बिरयानी बोलते हैं, इट्स नॉट दैट, इट हैज़ द राइट स्पाइसेस। एंड जैसे कि आप देख रहे हो मैं खाए जा रहा हूँ बात करते करते, मज़ा आ गया। तसल्ली से खाना खाया मैंने, वेजिटेरियन आया, मस्ट ऑर्डर। जाने से पहले क्योंकि सर्व किया तो बनता है बिल्कुल रायता टू फ्रेश है ना। आ जाओ जी, बीट रूट रायता सर्व किया था प्यार से। हाँ मज़ा आ गया। वंस अगेन धमाल गली, जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस मैंने तो नीचे खाया था, आप कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करना, आपको ऐसे खाना मिलेगा प्रॉपर बॉक्सिंग पैकिंग के साथ, ऐसा कुछ मिलेगा। थैंक यू कहते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू शोएब, आई होप यू एंजॉयड इट। मैम सिंसियरली एंजॉयड, मज़ा आया खा के। आई लाइक योर पैशन, आई लाइक योर लव फॉर फूड, और ये बहुत जरूरी है। किसी का फ़ोन आए, किसी को कैटर करना हो, थैंक यू सर, यू एस वेल सर, आप पीछे आ जाइए, वंडरफुल जॉब सर। कोई किसी का फ़ोन आए कुछ हो तो प्लीज़ उन्हें अच्छा सर्विस देना मेरे नाम से, ठीक है। कुछ डिस्काउंट से मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑलराइट गाइस, जस्ट एन एब्सोल्यूट डिलाइट, एंड मज़ा आ गया, द फूड वाज ब्यूटीफुल, समझ रहे हो, तसल्ली तृप्ति वाला सीन था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर्स, प्राइसिंग सारी डिटेल्स डाल दूंगा। फ़ोन करना, ऑर्डर करना, परेशान करना, ट्राई करना, ट्रस्ट मी यू विल लव द फूड। सीधी सी बात, छोटी बात पर मोटी बात, ठीक है कि नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, मैम बाय बोल दो, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।